हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर हैं कि आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। ठीक है, बॉटम ऑफ द रैक है फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन अपने दोस्तों में काफी इन्वॉल्व हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है उनसे बातें कर रहे हैं आपको लेकर के, अपनी फैमिली के साथ भी बात कर रहे हैं आपके बारे में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके बारे में काफी चर्चाएं हो रही हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको देखते हैं कि आप काफी स्ट्रांग पर्सन हैं, काफी स्ट्रांग पर्सनैलिटी के हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा देखते हैं कि आप पूरी स्ट्रेंथ के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है गाइज कि आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करने की सोचते हैं। ठीक है, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, नो कांटेक्ट में हैं, नो कम्युनिकेशन जोन में हैं, आपके पर्सन जो हैं आपसे मूव ऑन करने की सोचते हैं। बहुत बार सोच चुके हैं, बहुत बार ट्राई भी कर चुकी हैं, लेकिन मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अटैचमेंट यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप लोग सोलमेट हैं, इसी वजह से आपके पर्सन जो हैं वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है गाइस कि रातों को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, कंटिन्यूस थिंकिंग कर रहे हैं, और हमारा रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है वो ये सोच रहे हैं। आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली बनाने का सपना भी देख रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी जो है कार्ड बता रही हैं कि आपके पर्सन जो है आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, जिसमें जो है सारी खुशियाँ हों। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको रेनबो दिखता होगा, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और गाइस, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके साथ में उनको खुशी मिलती है, लेकिन कहीं वो बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपसे मूव ऑन करने की सोचते हैं। क्योंकि यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स का इन्वॉल्वमेंट भी मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर दोस्तों की वजह से उनके बहकाव में आकर के आपके पर्सन आपकी तरफ से जो है मुंह मोड़ लेते थे, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। आपको एक अच्छा पर्सन देखते हैं, अच्छा कंफर्टेबल पार्टनर देखते हैं। आप बहुत ही अच्छे पर्सन हैं और आप अच्छे से बैलेंस बनाना जानते हैं लाइफ में, ऐसा आपके पर्सन आपको देखते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के साइन में बताना चाहूँ तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आपके पर्सन हो सकते हैं, यानी कि मिथुन तुला और कुंभ, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो यानी कि मीन कर्क और वृश्चिक राशि, टोरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ कन्या और मकर राशि। मुझे स्ट्रॉन्ग साइन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन के कोई भी साइन हो सकते हैं, ये उनके सन मून वीनस साइन स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। यहाँ पर गाइस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन मन ही मन आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन वो अपने फीलिंग्स को कभी जाहिर नहीं करते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा इमोशन रखते हैं आपके लिए, लेकिन कभी दर्शाते नहीं है। देखिए, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर के काफी मंथन कर रहे हैं कि लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या मुझे अपने पार्टनर को की तरफ अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि अभी उनका हर्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लिए उनके दिल में प्यार आ रहा है, काफी इमोशंस आ रहे हैं, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि अभी वो अपने पावर में आना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और वो जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनकी शिप जो है वो आपकी तरफ आ रही है, यानी कि वो लॉन्ग डिस्टेंस पे है, नो कॉन्टेक्ट में है या नो कम्युनिकेशन जोन में है, तो वहां से वो आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ में अपनी खुशियां देख रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि अभी उनकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अब आप ये कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि आपको पॉजिटिविटी भी हजम नहीं होती है। अगर मैं नेगेटिव रीडिंग करूँ तो आप बोलती है कि हमारा माइंड जो है वो नेगेटिव हो जाता है। अब टैरो कार्ड रीडर करे तो क्या करें। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे गाइस कि आपको लेकर के वो काफी सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि क्या एनर्जी है आपके लिए। लकी नंबर में बताना चाहूँ तो 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 2 हो सकता है, 9 हो सकता है। ठीक है, आपकी तरफ कोई कॉल या टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या लॉन्ग डिस्टेंस पे है,
नो कम्युनिकेशन जोन में है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ कोई मैसेज भी आ सकता है, कोई गिफ्ट आपको दे सकते हैं आपको खुश करने के लिए, और आपको वो बहुत ही अच्छा पर्सन देखते हैं, आप काफी स्टेबल पर्सन हैं अगर आप जॉब करते हैं तो, ठीक है, या फिर आपको अच्छा कंपेटेबल पार्टनर देखते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा मेच्योर पर्सन देखते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत ऑप्शन है, इसकी वजह से भी आपके पर्सन डरे हुए हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे गाइज ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, ठीक है, थीके? आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें स्टेबिलिटी और ग्रोथ देखना चाहते हैं। डेथ एंड रीबर्थ, देखिए रीबर्थ का मतलब यहाँ पर एक नई बिगनिंग दिखा रहा है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है, जो सिचुएशन चल रही है उसकी एंड करके एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं और आपको कमिटमेंट देने की भी सोच रहे हैं। अगर आप जो है सिंगल हैं तो आपकी तरफ वो शादी का ऑफर लेकर आ सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो कमिटमेंट का ऑफर भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है डेथ और रीबर्थ का कार्ड है, एक नई शुरुआत होगी आपकी, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी की तरफ से उनका जो है रुझान कम हो रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो अभी सिंगल रहना पसंद नहीं करती हैं, ये रिवर्स में आए हैं, सिंगल रहना पसंद नहीं करती, वो आपके साथ में आना चाहती हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ और स्टेबिलिटी देखना चाहती हैं। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग, अभी मैं देख लेती हूँ कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। थोड़ा सा आप अकेले रहने की कोशिश कीजिए ताकि आप थोड़ा सा अपने आप को कवर कर पाए, ठीक है, पास से आप रिकवर हो पाए। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप फियर्स में हैं कि पता नहीं ये पर्सन मुझे कैसे रखेगा, कैसा क्या करेगा, ठीक है, ऐसा सोच रही है। लेकिन यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आपको थोड़ा सा बदलने की जरूरत है, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की जरूरत है, अपने हर्ट चक्रा को एक्टिवेट करने की जरूरत है, तभी आप दूसरे के लिए प्यार फील कर पाएंगे और अपने दिल से उनको प्यार कर पाएंगे, ठीक है। आपकी सारी खुशियां पूरी होंगी, जो कभी आपने विश मांगी थी वो आपकी विशेष जरूर पूरी होंगी, आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी जीत होगी, आपको सक्सेस मिलेगी, वन नंबर का कार्ड है, आपकी एक नई शुरुआत भी होगी, क्लैरिटी मिल रही है आपको, धीरे धीरे क्लैरिटी और मिल जाएगी अगर आप अपने हर्ट चक्रा पर काम करेंगे। मेडिटेशन की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लगी हुई है, ठीक है। और मैं दूसरों की तरह प्राइवेट करके उनको आप तक नहीं पहुंचाना चाहती, आपसे पैसे वसूलना नहीं चाहती, इसीलिए मैंने आपके लिए जो है अपलोड कर दी है ये, आप सभी मेरी वीडियोस देख सकते हैं, चाहे वो सेवन चक्रा की हो चाहे मेडिटेशन की हो। और चैनल पर मैंने देखा है कि लोग जो है प्राइवेट रखते हैं, मेंबरशिप में उनको उसका लाभ मिलता है, अगर आप पैसे देते हैं मेंबरशिप लेते हैं या फिर जो है पर्सनल रीडिंग लेते हैं तब आपको उनका बेनिफिट मिलता है, लेकिन मैंने आपके लिए ओपन कर रखा है, फिर भी आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती हैं और वीडियो को लाइक नहीं करती है, बड़ी दुख की बात है। जो फ्री में चीजें देते हैं उनको आप पसंद नहीं करते, जो पैसे लेते हैं उनकी तरफ भागते हैं, ठीक है, ये कैसा आपका सोचने समझने का तरीका है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग, आई होप गाइस रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो, रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वाचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।